अपनी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। एज यू नो वी आर कंप्लीटेड योर फोर्थ चैप्टर एंड टुडे वी विल स्टार्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड नेम इज सिंथेटिक मटेरियल्स। ओके, सो लेट्स ओपन द पेज नंबर 47। नाउ लेट्स द स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 नेम इज सिंथेटिक मटेरियल्स। देखिए बच्चों, आप लोग जैसे बुक खोलोगे आपको ये पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल बिलोंग टू अ क्लास सब्सटेंस कॉल्ड पॉलीमर। देखिए पॉलीमर्स हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीमर्स इन विच इंक्लूड द नेचुरल फाइबर्स। देखिए पॉलीमर्स वो होते हैं जिनमें नेचुरल फाइबर इंक्लूड होता है, पॉलीमर्स कहलाते हैं। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर सच एज यानी लाइक अ जूट, सॉरी कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, बाय विल कॉल्ड नेचुरल फाइबर। इन्हें हम नेचुरल फाइबर क्यों बोलते हैं, कॉटन एंड जून वी कैन इजली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, कॉटन एंड जून वी कैन इजली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, बट सिल्क एंड वूल वी कैन इजली ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। देखिए बच्चों, हमें पता है कॉटन और जून तो ऐसे फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर ऐसे होते हैं जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स से प्राप्त होते हैं, जबकि सिल्क एंड वूल ये दो फाइबर ऐसे होते हैं, नेचुरल फाइबर ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। ओके, अब बात करते हैं दीज फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। क्यों बोलते हैं नेचुरल फाइबर, क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दीज फाइबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। ओके, दैट्स व्हाई दीज आर नेचुरल फाइबर, दिस क्लास इंक्लूड इनटू द पॉलीमर्स। ओके, नाउ वी कैन सी व्हाट इज द मीन ऑफ पॉलीमर। हम बात करते हैं करने जा रहे हैं पॉलीमर का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर। इन ग्रीक पॉलियू मींस मैनी एंड मर्स मींस पार्ट्स। ओके, देखिए पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर्स का मतलब होता है पार्ट्स। देखिए दैट मींस पॉलीमर्स आर डिवाइड मीनिंग्स ऑफ मैनी पार्ट्स, दैट मींस पॉलीमर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पॉली एंड मर्स। पॉली मींस क्या होता है अपने, मैनी एंड मर्स मींस पार्ट, यानी कि पॉलीमर्स का मतलब क्या हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो मैनी पार्ट्स। बात समझ आ रही है आपको, पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, मैनी पार्ट्स। पॉलीमर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट और स्मॉल यूनिट, दैट इज कॉल्ड मोनोमर। देखिए पॉलीमर जो होता है हमारे पास वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। मोनोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट और स्मॉल पार्ट, जिनको उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। एंड प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स कंबाइन एंड टू एंड टू फॉर्म अ पॉलीमर और कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ओके, बात समझ आ रही है। देखिए द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स कंबाइन एंड टू एंड पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। देखिए मोनोमर्स होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल यूनिट जो आपस में कंबाइंड होते आते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बोलते हैं। सॉरी, मोनोमर्स मिल करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, ये जो प्रोसेस है इसमें नंबर ऑफ मोनोमर्स मींस स्मॉल यूनिट और स्मॉल पार्ट, दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ पॉलीमर। ये आपस में कंबाइंड होते हैं और एंड टू एंड क्रिएट होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। आपको आई होप सबको समझ आया होगा पैराग्राफ। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं, अब आप ये पिक्चर देखिए। नाउ वी कैन सी दस एज इट डिड इन दिस पिक्चर क्लियर टू यू द स्मॉल यूनिट और स्मॉल पॉट, दैट इज कॉल्ड मोनोमर। देखिए बच्चों, ये आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें ये दैट इज कॉल्ड मोनोमर, ये स्मॉल पॉट या स्मॉल यूनिट दैट इज कॉल्ड मोनोमर। ये मोनोमर जो होते हैं वो अपने ऐसे मोनोमर से मिलकर के क्या बना लेते हैं, फॉर्मेशन करते हैं पॉलीमर का। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, दस एसेटेड इज द क्लियर टू यू दैट इज इन दिस पिक्चर सो इज दैट द सिंगल यूनिट और स्मॉल पार्ट दैट इज कॉल्ड मोनोमर्स। ओके,
ये सिंगल यूनिट और सिंगल पार्ट्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोवर्स बोलते हैं। ठीक है, ये मोनोवर्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन द मोनोवर इज कंबाइंड विद द अदर मोनोवर व्हिच इज कॉल्ड ये सिमिलर पार्ट क्रिएट अ न्यू टर्म व्हिच इज कॉल्ड पॉलीमर। ओके, अब देखिए हम इन दिस पिक्चर द नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट दे कंबाइंड एंड क्रिएट द मोलीमर एंड द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मैंने आपको बताया था कि जो मोनोमर्स होते हैं आपस में मिलकर के किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द मोनोमर कन्वर्ट इंटू द पॉलीमर। ओके, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। नेक्स्ट देखिए आप बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, मैनी ऑफ द सब्सटेंस इन विच इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पॉलीमर। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनमें भी पॉलीमर एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, सेलुलोज आपने नाम सुना होगा, बायो में सेलुलोज का नाम ज़्यादातर आता है। ठीक है, देखिए सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, डेट मीन्स नंबर ऑफ ग्लूकोज मोनोमर इज कम्बाइंड या मोनोमर स्मॉल यूनिट ऑफ मोनोमर ग्लूकोज एंड कम्बाइंड टूगेदर एंड फॉर्म अ क्रिएट अ सेलुलोज। देखिए मैनी ऑफ द सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पॉलीमर। देखिए बहुत सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी पॉलीमर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सेलुलोज फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज ये क्या है, मोनोमर है, और सेलुलोज ये क्या है, पॉलीमर है। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के क्रिएट करते हैं पॉलीमर का, जिसका नाम क्या है, सेलुलोज। ओके, सिमिलरली लाइक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज फॉर्मड बाय द अमीनो एसिड, जैसे कि हीमोग्लोबिन भी इसी की तरह है, हीमोग्लोबिन इज अ पॉलीमर एंड अमीनो एसिड इज अ मोनोमर। ओके, एंड सिमिलरली लाइक अ हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन फॉर्मड बाय द अमीनो एसिड, दैट मींस अमीनो एसिड इज अ मोनोमर एंड दे कंबाइंड टुगेदर एंड क्रिएट अ हीमोग्लोबिन। Understood everybody? This is a polymer. This is a polymer. Okay? इसी चैप्टर में देखिए द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो होते हैं मिलकर के क्या बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं। एंड इन दिस पिक्चर सॉरी इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द सिंथेटिक फाइबर एंड अदर मटेरियल विच टू आर पॉलीमर्स। ओके, हाँ तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज फॉर द मेकिंग क्लोथ एंड मेनी अदर यूजफुल थिंग्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका यूज हम क्लोथ बनाने में करते हैं, क्लोथ को क्रिएट करने में करते हैं, एंड मेनी अदर यूजफुल थिंग्स बनाने में क्रिएट करने में यूज करते हैं। ठीक है, दे मे बी एंटायरली सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। ये आपको सिंथेटिक होते हैं प्योरली या सेमी सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, या ये जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या तो ये प्योरली सिंथेटिक होते हैं या फिर सेमी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स लाइक आर रियोन आर मेड बाय, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रियोन आर मेड बाय यूजिंग नेचुरल पॉलीमर्स एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। देखिए जो हमारे पास सेमी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं लाइक आर रियोन, ये हम कहाँ से क्रिएट करते हैं, ये हम नेचुरल पॉलीमर्स से क्रिएट करते हैं। अब नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स लाइक कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल वी मिक्स, सॉरी दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स। आपको समझ आ रहा है, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं लाइक रेयन आर मेड बाय द यूजिंग नेचुरल पॉलीमर। जो सेमी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से हम कैसे बनाते हैं, वो हम साफ करते हैं मेड बाय यूजिंग द नेचुरल पॉलीमर। ये हम नेचुरल पॉलीमर का यूज करके उसका फॉर्मेशन या क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, पॉलीमर कौन से होते हैं, आपको पता ही है, सिल्क, वूल, जूट, कॉटन। ठीक है, दीज आर द नेचुरल पॉलीमर। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। नेक्स्ट लिखा है इसमें, हाँ अब सेमी सिंथेटिक वी आर द मिक्स द पॉलीमर एंड क्रिएट अ सेमी सिंथेटिक। ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, पॉलीमर मिक्स करते हैं और सेमी सिंथेटिक फॉर्मेशन का फॉर्मेशन करते हैं। प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स। देखिए प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स। जो प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो
दैट मीन्स ये जो हमारे पास कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये केमिकल से क्रिएट होते हैं, प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, केमिकल से क्रिएट करते हैं। समझ रहा हूं, प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ऑन द अदर हैंड मेड फ्रॉम केमिकल्स, ये किससे क्रिएट करते हैं, केमिकल से क्रिएट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एसिड एंड आर द पॉलीमर, एक्रिलिक और प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स, ये जो है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एसिड एंड आर प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्योरली सिंथेटिक फाइबर। ये किसके एग्जांपल है, प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स के, दीज आर एग्जांपल। ओके, बच्चों देखिए नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है रियोन। क्या है रियोन? रियोन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। रियोन जो है हमारा ये क्या है, ये सेमी सिंथेटिक फाइबर्स है। ठीक है, दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। ये जो दैट मींस ये जो हमारे पास रियोन है ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर्स है, इसका ऑब्टेन करते हैं किससे करते हैं, सेलुलोज से। दे आर ड्राइव फ्रॉम द सेलुलोज एंड आर अवेलेबल थ्री डिफरेंट वैराइटीज, विस्कोस, क्यूप्रोमिनियम और क्यूप्रो एंड एसिटेट रियोन। देखिए रियोन के बारे में बात करते हैं, रियोन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर्स, इसको ऑब्टेन कहां से करते हैं, सेलुलोज से करते हैं। किससे ऑब्टेन करते हैं, सेलुलोज से। मैंने आपको दो तरह के फाइबर्स बताए थे, सेमी सिंथेटिक फाइबर और दूसरा प्योरली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स का एग्जांपल था आपका नायलॉन, पॉलिएस्टर। ओके, और जो रियोन जो है कैसा है, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स है, इसको हम डिराइव करते हैं सेलुलोज से, और इसको तीन डिफरेंट वैराइटीज में या तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि नंबर वन विस्कोस और सेलुलोज बनाते हैं इसको, और तीन वैराइटी में इसको डिफरेंट वैराइटी में इसको मतलब डिवाइड किया गया है, विस्कोस, क्यूप्रोमिनियम एंड एसिटेट रियोन। अब सबसे पहले बात करने आ रहे हैं विस्कोस रियोन की। विस्कोस रियोन सेलुलोज डिसॉल्व इन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो विस्कोस रियोन होता है वहां पर एंड देन जो हमारे पास जो विस्कोस रियोन है सेलुलोज इज डिसॉल्व इन द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए होता है क्या, विस्कोस रियोन टेस्ट लगती है, क्या टेस्ट लगेगा? ठीक है, विस्कोस रियोन क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलुलोज जो होता है सेलुलोज इज डिसॉल्व इन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे पास सेलुलोज है हम इसको डिसॉल्व करते हैं मिक्सचर में, कौन से मिक्सचर में, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर में हम इसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। अब विस्कोस लिक्विड, ठीक है, कॉल्ड विस्कोस इज ऑब्टेंड, और हमें मिक्स एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है जिसको क्या बोलते हैं, विस्कस बोलते हैं, दैट इज द लिक्विड व्हिच कैन नॉट फ्लो फ्रीली। ये जो हमें लिक्विड मिलता है वो कैसा होता है, फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, डेट मीन्स जो हमारे पास सेलुलोज है इसको हम डिसॉल्व करते हैं किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन में, एंड देन अब विस्कोस विस्कोस लिक्विड इज ऑब्टेन, और जो मिक्सचर हमें प्राप्त होता है ये ऑब्टेन होता है, इसको क्या बोलते हैं, विस्कोस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विस्कोस। ओके, अंडरस्टूड? बच्चों नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, वी कैन एड द विस्कस इन दिस ट्यूब, दिस कॉल्ड फिलामेंट हियर। ओके, एंड एट द वी कैन एड द सम अमाउंट ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें विस्कोस मिला है उसको हम एक स्मॉल ट्यूब से इसको क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स बोलते हैं, और कुछ ड्रॉप्स होती हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की हम ड्रॉप्स होती हैं उसमें ऐड करते हैं, एंड देन और उसके बाद क्या होता है, इससे स्प्रिंट ऐड करते हैं, डेट मीन्स उसको हम क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। स्पिन क्या होता है, स्पिन लाइक अ चेंज इनटू द फाइबर इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन डेट इज कॉल्ड रियोन। वी कैन इजिली ऑब्टेन बाय दिस मेथड, डेट इज कॉल्ड स्पिन रेट। ये आपको दिखा हुआ है इसमें, स्पिन रेट हम इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्पिन रेट। स्पिन क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, फाइबर से क्या बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन कहते हैं। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड?